हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का वीडियो एजुकेशनल वीडियो होगा एंड आपके पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। बेसिकली ये एक नई सीरीज की स्टार्टिंग होने वाली है एंड मेरा जो मोटिव है इस सीरीज के थ्रू वो है टू स्प्रेड अवेयरनेस, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज लोग बहुत सारे रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं एंड उसकी वजह से उनको काफ़ी लॉस बेयर करना पड़ता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, एवरी मंथ जब आपकी सैलरी आती है तो उस सैलरी का आप अपना कुछ पार्ट सेविंग्स में रखते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि सब लोग रखते होंगे ताकि उसे वो फ्यूचर में यूज़ कर सकें, या हो सकता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप उसे बचा के रखते हों, या आपको कोई घर खरीदना या कार खरीदनी हो। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई व्यक्ति अपने पैसे को सेव करता है। तो अब सेविंग्स करने के क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे ऑब्वियस तो है, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए एंड आपने उन पैसे को वहीं पड़े रहने दिया, अक्यूमुलेट रहते होने दिया। तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक बहुत ही बेकार वे है अपने पैसे को सेव करने का, बिकॉज जो पड़े हुए पैसे हैं ना वो कंटिन्यूसली अपनी वैल्यू को लूज करते जाते हैं, उनकी वैल्यू जो हर साल कम 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 होती जाती है। और इसके पीछे सिर्फ एक रीज़न है, वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ या आसान शब्द इसके लिए यूज़ करूँ तो वो है महंगाई। तो अब इसमें होता क्या है कि महंगाई का मतलब तो आप सब समझ रहे होंगे कि जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि अब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर इससे अफेक्ट होती है। इसमें होगा क्या कि सेम क्वांटिटी किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए आपको या तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या अगर आपकी जो इनकम अगर कॉन्स्टेंट है, मतलब आपकी इनकम नहीं बढ़ी है, तो आपको उसी उतने ही पैसों के साथ अब कम चीज़ें अवेलेबल होंगी। इसका आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा कि कैसे पैसे की वैल्यू कम होती है। ये नहीं कि मार्केट में मैं 100 रुपये का नोट लेके जाता हूँ तो उसकी वैल्यू 50 रुपये के लायक ही रह गई है, इसका बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं है। इसका मतलब सीधा सीधा है परचेजिंग पावर से। पैसा आपकी वैल्यू सिर्फ परचेजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है या कम है। सो अब रखे हुए पैसे अपनी वैल्यू लूज ना करें, इसके लिए लोग उन पैसों को इन्वेस्ट कर देते हैं। अलग अलग जगह पैसों को इन्वेस्ट किया जा सकता है एंड कॉमनली कुछ जगह जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं वो है, एक तो सेविंग्स अकाउंट, दूसरा फिक्स डिपॉजिट्स, तीसरा गोल्ड एंड ज्वेलरी, चौथा रियल एस्टेट। एंड अगर कुछ लोग ज़्यादा रिस्क उठाना चाहते हैं तो वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट में तीन चीज़ें होती हैं, एक है रिटर्न्स, दूसरा रिस्क एंड तीसरा टाइम। रिटर्न्स मतलब कितना परसेंटेज प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो इन्वेस्टमेंट करके, ये नॉर्मली परसेंटेज के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आज हमारे कंट्री का इन्फ्लेशन रेट 4-5% के बीच चल रहा है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो आपका रिटर्न परसेंटेज है वो इन्फ्लेशन रेट से एटलीस्ट ज़्यादा हो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है इन्वेस्टमेंट करके, बिकॉज इन्वेस्ट किए गए पैसे की वैल्यू भी नहीं बढ़ी एज इन्फ्लेशन रेट जो है वो पहले ही बढ़ता जा रहा था। रिस्क का मतलब यहाँ पे जोखिम हो गया, मींस क्या चांसेस हैं कि आप इन्वेस्ट किए गए पैसे को गवा देंगे, या आप यहाँ पे इसको लॉस बेयरिंग प्रोबेबिलिटी भी बोल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइम हो गया। टाइम यहाँ पे आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कितने समय के लिए किसी पैसे को इन्वेस्ट किया गया है। तो बेसिक रूल यहाँ पर यह है कि अगर रिस्क ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, तो रिटर्न्स भी ज़्यादा होंगे। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क भी उठाना पड़ेगा, या फिर आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा समय के लिए करनी होगी। अब जैसा कि मैंने पीछे आपको अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मतलब उनके नाम बताए थे, तो आपको मैं वन बाय वन अब उन्हें एक्सप्लेन करता जाता हूँ। तो पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट है एंड यहाँ पे कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहे पैसे डाल सकते हो और उसे फिर विड्रॉ भी करा सकते हो। पर यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। एट एन एवरेज अगर हम अपनी कंट्री में देखें तो ये सिर्फ 4% तक मिलते हैं, एंड ऐसा ये भी मतलब प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न्स हैं वो और कम हो सकती है। एंड करेंटली जो अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5-6% के बीच ही है, तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना अभी बिल्कुल भी फायदे का सौदा नहीं है। सो वन शुड नॉट गो आफ्टर सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में। फिक्स डिपॉजिट भी एक बहुत ही लीस्ट रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक टाइम बाउंडेशन है, मतलब कुछ जैसा कि आपको वर्ड फिक्स से समझ आ रहा होगा, तो इसमें फिक्स ड्यूरेशन होता है, जैसे कि 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे कोई भी स्कीम आप सिलेक्ट जिसमें भी आपको पैसे लगाने हैं आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। तो इसमें ये होता है कि इस मतलब फिक्स टाइम से पहले आपको पैसे आप विड्रॉ कर नहीं सकते, एंड इसमें इसी वजह से थोड़े से रिटर्न्स हल्के से ज़्यादा होते हैं, स्लाइटली ज़्यादा होते हैं, आपको कहीं 6-8% के बीच मिल जाते हैं रिटर्न्स। तो ये फिर भी मैं कहूँगा कि सेविंग्स अकाउंट इन्वेस्टमेंट से फिर भी थोड़ा बेटर है, और लोग काफ़ी अभी भी जाते हैं फिक्स डिपॉजिट्स के लिए, बट
इन्फ्लेशन फिर अब कैसी रहेगी आने वाले टाइम में, ये ही अब डिसाइड करेगा कि फिक्स डिपॉजिट का फ्यूचर कैसा होगा। गोल्ड एंड ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट में आज के टाइम पे एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, क्योंकि इनके प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ 1998 से लेकर 2022 टिल डेट के प्राइसेस पर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। सो अगर आप देखो यहाँ पे तो 1998 से लेकर 2012 तक के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी राइज किए हैं, मतलब उनमें आप टोटली राइज देखेंगे। बट अगर मैं यहीं पर बात करूँ 2012 से लेकर आज तक के प्राइसेस, उनमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिली हैं, और वो फ्लक्चुएशंस काफ़ी छोटी भी नहीं है, काफ़ी मतलब ऐसा भी नहीं कि नेग्लिजिबल है, काफ़ी डिफरेंस रहा है रेट्स में। सो यहाँ ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने 2012 से पहले इन्वेस्टमेंट की होगी गोल्ड या ज्वेलरी में, उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा या इनफैक्ट अभी तक भी हो रहा होगा। सो यहाँ पे ये एक मतलब कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि गोल्ड एंड ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क है। रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में लो मॉडरेट रिस्क है। इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे ये कॉन्टिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि द बेस्ट टाइम वॉज बिटवीन जून 2010 टू जून 2015, जिसमें इसके रिटर्न्स जून 2011 में 20% से भी ज़्यादा चले गए थे, एंड 2020 में ये 5% से भी नीचे चले गए थे। ये जो 2020 वाला टाइम पीरियड है तो कोविड का टाइम पीरियड है, तो इसलिए भी हो सकता है कि रिटर्न्स काफ़ी डाउन हो गए हों। और अगर आप देखें या आप ऑब्जर्व करें इस बात को सुनने के बाद, तो यहाँ पे आप ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर से बना पाएंगे कि जो इसकी रिटर्न्स है वो काफ़ी वॉलेटाइल है। हाउसिंग में इन्वेस्ट करने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ ये भी रहता है कि पैसों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लाखों करोड़ों की होती है, मतलब अगर आगे लाखों करोड़ों रुपए हैं तभी आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी एक मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये भी है कि मैंने काफ़ी देखा है कि जो हाउसिंग का जो लाइन है, हाउसिंग का जो काम है, इसमें बहुत सीजनल मतलब ये काम रहता है, क्योंकि आप देखें तो अभी कोविड पे बहुत बड़ा इसको एक धक्का लगा था इस काम को। जो लोग इससे एसोसिएटेड है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉस बेयर करना पड़ गया था, स्पेशली जो लोग नए हैं इस लाइन में। तो अगर मैं किसी स्केल के ऊपर सारी इन्वेस्टमेंट्स की अगर स्टेबिलिटी को अगर मैं मेजर करना चाहूँ, तो मुझे लीस्ट स्टेबल लगता है रियल एस्टेट एंड प्रॉपर्टी। एंड अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का आप सबको पता होगा कि इसमें काफ़ी रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहते हैं, बट एट द सेम टाइम लॉस होने के भी इक्वल चांसेस होते हैं। कितना रिस्की है इन्वेस्ट करना वो डिपेंड करता है कि किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, एंड अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको दूर रहना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से। ये कुछ कॉमन वेज मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं कि आप अपने पैसे को किस किस तरीके से कहाँ और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सब आपको भी अब समझ आ गया होगा कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी और भी कुछ जरिए हैं जिनके थ्रू आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, एंड अभी क्रिप्टो करेंसी भी चल रहा है। बट आई वुड रिकमेंड कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले वन शुड थिंक अ मिलियन टाइम्स बिफोर, बिकॉज यू नेवर नो कि गवर्नमेंट कब इन पर बैन लगा दें। सो अभी जो इनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो काफ़ी कड़े होते ही जा रहे हैं। 30% का इसमें टैक्स स्लैब रखा हुआ है, और अब आने वाले टाइम में और क्या गवर्नमेंट चेंजेस ले आए ये हम में से किसी को भी नहीं पता है। सो गाइज, मैं यहाँ पर आपको अपनी एक पर्सनल एडवाइस भी देना चाहूँगा, तो वो ये है कि आप जो इन्वेस्ट करते हो पैसा, तो आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब जगह इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। थोड़ा आपको FD के अंदर भी रखना चाहिए, थोड़ा आपको सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, थोड़ा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा गोल्ड में, ऐसे ही जितनी भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपके पास जितना फंड अवेलेबल है उसके हिसाब से जो भी आपको सूटेबल लगे उसमें आपको करना चाहिए। क्योंकि होता ही है कि अगर आपको किसी एक जगह पे लॉस हो भी गया तो आप दूसरी जगहों से उस लॉस को कवर कर लें, और आपको वो लॉस बहुत बड़ा भी ना दिखे। और ऐसा बहुत रेयर ही होता है कि कोई चीज़ जो है वो एक साथ ही सारी चीज़ें गिरनी शुरू हो जाएं, ऐसा बहुत रेयरली होता है। कोई अगर बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना तो ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सो आप बेफिक्र रहिए और सारी अच्छी नॉलेज के साथ अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। अब हम एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक स्पेशल टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है जिसके थ्रू आप सारी अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट साथ में कर सकते हो, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक जगह इन्वेस्टमेंट करके। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड्स को खोलती है। तो बेसिकली होता क्या है कि आप अपना पैसा एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हो, एंड आप जैसे बहुत सारे लोग अपने पैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास डालते हैं, तो सारे पैसे जो है कंपनी कलेक्टिवली अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देती है एक एक्सपर्ट की एडवाइस लेके। उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए होते हैं, उसको अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और उन सारी इन्वेस्टमेंट से जो कलेक्टिव रिटर्न मिलती हैं उसमें से कुछ अमाउंट जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पास रख लेती है एज कमीशन, एंड बाकी पैसे जो हैं उनको मिलते हैं वो आपको फिर वापस लौटा दिए जाते हैं।
ये कुछ एग्जांपल्स हैं कंपनीज एंड बैंक्स के जिन्होंने अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोली हुई है। म्यूचुअल फंड्स कितने रिस्की हैं डिपेंड करता है कि किस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिमम 4% एंड मैक्सिमम 30% तक रिटर्न्स एक्सपेक्टेड होते हैं। इसमें जीरो रिस्क एंड हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज सब डिपेंड करता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहाँ आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। अगर वो कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है देन रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों ही ज्यादा होते हैं, एंड अगर वो कंपनी आपके पैसे को गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करती है देन रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों ही बहुत कम रहते हैं। सो आज की वीडियो के थ्रू मैंने आपको कुछ इन्वेस्टमेंट की टाइप्स के बारे में बता दिया है एंड कैसे कैसे उनमें कितना रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रहता है वो भी बता दिया है। एंड एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सब डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, क्या मोटिव है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।